बिल फोर्ड से रतन टाटा ने भी ऐसे ही बदला लिया था। सक्सेस इज द एक्चुअल रिवेंज, जानते हैं। एक बार रतन टाटा बिल फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉइट गए थे उनको कहने के लिए कि मेरी जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल डिवीजन है चल नहीं रही है, मैं चाहता हूं आप इसको खरीद लो। उस दिन बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बेइज्जती करी थी। उस दिन उन्होंने कहा था तेरे पे एहसान कर रहे हैं, तेरा ये टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल खरीद के अगर गाड़ी बनानी नहीं आती तो धंधे में आए क्यों थे। जैसे ही बिल फोर्ड ने यह बात कही रतन टाटा को बात चुप गई। उस दिन रात को सोचने लगे क्या करें ये तो गलत हो गया हमारे साथ। रातों रात पूरी टीम लेकर के डेट्रॉइट से वापस बॉम्बे आ गए और उसके बाद पैसेंजर व्हीकल पे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया। जिद्दी हो गए, टर्न अराउंड करूंगा इसको, टर्न अराउंड, कन्वर्टिंग एंगर इनटू अ रेजोल्यूशन। कुछ ही दिन के बाद टाटा मोटर्स को रिवाइव कर रहा था और बहुत अच्छा ग्रो करने लगा। बिल फोर्ड की कंपनी लॉसेस में आ गई और टाटा ग्रुप ने उनको प्रपोजल भेजा, हम तुम्हें खरीद लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले बॉम्बे से डेट्रॉइट गए थे, इस बार डेट्रॉइट से पूरी टीम मुंबई आई और आकर के मुंबई हेडक्वार्टर्स में रतन टाटा के सामने बिल फोर्ड बोले हमारी जैगुआर लैंड रोवर आप खरीद के हम पे एहसान कर रहे हैं। सब कुछ सेम था, पिछली बार बोले थे हम तुम पे एहसान कर रहे हैं और इस बार खुद आके कह के गए। रतन टाटा तो बिल्कुल प्रेम से उनकी गाड़ी 9600 करोड़ में खरीद गए। क्या बोले कि तुमने हमसे ये गाड़ी खरीद के हम पे एहसान किया है, बिल फोर्ड बोल के गए। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है।